हम 2014 में बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन करते थे, कट्टर समर्थक थे हम बीजेपी के, लेकिन अब हम हमारे खिलाफ जो नीतियां बनाई हैं, जो देश को नीचे ले जाने का काम किया है बीजेपी ने, तो हम बीजेपी से बिल्कुल एंटी हैं आज के दिन से। हमारा गांव है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव डीगल, वहां से हम आए हुए हैं, हम किसान के बच्चे हैं और किसानों के साथ मिलकर संघर्ष करना चाहते हैं। ये हमारे सब बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। सरकार जो कह रही है कि भाई सिर्फ पंजाब का किसान संघर्ष कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम हरियाणा से आए हुए हैं, यूपी बॉर्डर भी सील आप सबको पता है, एमपी से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, पूरे देश का किसान खड़ा हो गया इस आंदोलन में। ये बताया जा रहा है इस विधेयक को लाने से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा किसान, ऐसा किसानों के बारे में विधेयक लाया गया है ना, तो जब ये विधेयक लेके आए थे उस समय क्या किसी किसान संगठन से पूछा था क्या हमारे बारे में, हमारे लिए क्या अच्छा है, वो सरकार नहीं जान सकती, हम जानते हैं वो चीज़। जब सरकारें कहने लग रही हैं, तमाम वादे करने लग रही हैं, उसके बावजूद भी आपको यकीन क्यों नहीं? सरकार ने तो वादे किए थे कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मौखिक हमें कुछ नहीं चाहिए। सरकार कह रही है कि एमएसपी की मतलब गारंटी रहेगी, तो लिखित में दे दो ना हमारे को, जो कृषि कानून जो है उनमें जो हमारे खिलाफ जो लाइन है जो हम हटवाना चाहते हैं उनको हटा दो ना, फिर क्या दिक्कत है, लिखित में दे दो हमारे को, सरकार कहती है तो। बता जाता है कि किसान कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा इन विधेयक को लाने से? नहीं, किसानों के बारे में नहीं कह रहे, वो मजबूत होगा कॉरपोरेट घराने मजबूत करने के लिए सरकार ये कानून लेके आई है, किसान मजबूत नहीं होगा। किसान अगर मजबूत होता तो सारे देश का किसान आज सड़कों पे नहीं होता, किसान अपने फायदे के सारे जानता है। जैसा आपने बताया कि पहले पंजाब का था, अब हरियाणा का है, तो पूरे देश का कहाँ से आ गया है बताएं? पंजाब का है, हरियाणा का, यूपी बॉर्डर आपको पता है कि यूपी बॉर्डर सील हो रहा है, उस साइड राजस्थान से हमारे भाई आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, आप लोग तो न्यूज़ वाले आपको तो पता है, हर जगह जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां स्टेट से लोगों को बाहर तक नहीं आने दिया जा रहा, पूरे देश में किसान आंदोलन खड़ा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा या पंजाब का आंदोलन है। पंजाब के जो किसान आए हुए हैं भाई, उनके ऊपर बोला जा रहा है कि खालिस्तान से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है जी, हरियाणा वाले आंदोलन करते हैं आतंकवादी बोल देते हैं, मुसलमानों को आतंकवादी बोल देते हैं, सरदार जियों को खालिस्तानी बोल देते हैं, ये सब बीजेपी की चाल है कि भाई इस आंदोलन को कैसे भी करके दबाया जाए, खराब। बीजेपी सरकार भी तो आपकी चुनिंदा सरकार है, वो हम उनके मतलब ढकोसलों में आ गए थे उस समय, हमारे को पता नहीं था, और हम तो नई पीढ़ी, हमारे हमने तो कभी बीजेपी गवर्नमेंट देखी ही नहीं थी, हम 2014 में बीजेपी का समर्थन करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने उनकी चालें देखी, उनके कानून देखे, उनके काम देखे, हमारे को उनसे बड़ी झूठी पार्टी कोई नज़र नहीं आती। यानी 2014 के अंदर आपने भी चुनाव दिया था, और आगामी चुनाव के अंदर क्या करने वाले हैं वो बताएं? आगामी चुनाव के अंदर जितना बड़ा आंदोलन देश की जनता आपको पता है पूरी तरह से मतलब बर्बाद कर दी जा चुकी है। हम 2014 में बीजेपी को पूर्ण रूप से समर्थन करते थे, कट्टर समर्थक थे हम बीजेपी के, लेकिन अब हम हमारे खिलाफ जो नीतियां बनाई हैं, जो देश को नीचे ले जाने का काम किया है बीजेपी ने, तो हम बीजेपी से बिल्कुल एंटी हैं आज के दिन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।